जैसे कि फिल्म रंग दे बसंती का एक डायलॉग है, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। बदलने की जिम्मेदारी उठाओ, सही बात है। भावेश जोशी सुपरहीरो की बी द चेंज क्रिएट द चेंज, बहुत ज्ञान दे दिया। लाइनर ठीक से लगा नहीं लगा, हाँ लगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेल्कम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर। टुडे आई विल शेयरिंग माय करंट समर हेयर केयर रूटीन की भरी गर्मी में मैं अपने बालों का ध्यान कैसे रखती हूँ। मैं आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक रूटीन बताने वाली हूँ, एंड नॉट जस्ट रूटीन, मैं आपको बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट के शॉर्ट रिव्यूज भी दे दूंगी। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। मैंने जो भी अब तक ट्राई किया ना इस साल 2022 में, मैं सबके आपको शॉर्ट रिव्यूज देने वाली हूँ। सो आपके ड्राई हेयर है, डल हेयर है, डैमेज है, फिर आपको कोई हेयर कलर रीबॉन्डिंग स्मूदनिंग कराई हुई, आपको बहुत सारे आपके रिकमेंडेशन मिलने वाले हैं। ऑल्सो मानसून आने वाला है, और आपको पता है मानसून में खाली रेनफॉल नहीं होता है, हेयर फॉल भी होता है, मतलब इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं ना। तो प्लीज़ अभी से अपने बालों का ध्यान रखना शुरू कर दो, ताकि आगे जाकर इतनी वॉल्यूम आपकी कम ना हो। इस वीडियो के लास्ट में आने वाला है लास्ट गिव अवे, जो है कशी का बर्थडे गिव अवे। अगर आपको नहीं पता, 27 मई को मेरा बर्थडे आता है, और मैं दो गिव अवेज ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हो, आपको टाइटल में दिख जाएगा बर्थडे गिव अवे, आप उसमें भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आज आने वाला है थर्ड गिव अवे, इस वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा, सो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये सारे गिवेज ना 30th मई तक चलेंगे, मंथ एंड तक आप इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसके बाद मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगी। सो आपको जानना है, प्लीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मैं हमेशा कहती हूँ खाली शैम्पू कंडीशनर ही हेयर केयर रूटीन नहीं होता। मेन जो आपका स्टेप होता है ना, वो होता है प्री शैम्पू नरिशमेंट। बेसिकली जिस दिन भी आप शैम्पू करते हो, उससे एक रात पहले आप क्या नरिशमेंट दे रहे हो अपने बालों को। तो जब सर्दियां आती है ना, तब ऑब्वियसली बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, तो तब मैं थोड़ा सा सीजनल ऑयल लगाना प्रेफर करती हूँ सर्दियों में, कि कोई भी बादाम का तेल हल्का फुल्का लगा लिया, ओवरनाइट ऑयलिंग ऐसे कर ली। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल ये मिस्टेक मत करना, ओवरनाइट ऑयलिंग बिल्कुल मत करना गर्मी में, बिकॉज ऑलरेडी हमारे बाल इतने ग्रीसी होते हैं। इनफैक्ट मैं नोटिस करती हूँ गर्मी में जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, मेरे बाल और झड़ते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा है, आपके साथ भी है, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है नहीं होता। सो मैं गर्मियों में इतनी ऑयलिंग नहीं करती हूँ, मैं मंथ में एक बार एक प्री शैम्पू हेयर मास्क बना लेती हूँ DIY वाला, जिसके अंदर मैं दही बना लेती हूँ, कोई भी आंवला रीठा शिकाकाई के जो पाउडर्स आते हैं वो डाल के, फिर उसमें कोई ना कोई सीजनल ऑयल डाल लेती हूँ, लाइक ऑलिव ऑयल आप शाइन के लिए डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल डाल सकते हो अगर आपको एक अच्छे हेल्दी अपने बाल चाहिए, तो वो मैं मंथ में एक बार करती हूँ। लेकिन मैं गर्मियों में हेयर ऑयलिंग इतनी रेगुलर नहीं करती, उसकी बजाय मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं शैम्पू करने से एक रात पहले यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल अपने पूरे बालों पर। स्पेसिफिकली अगर आपको स्कैल्प पे इचिंग हो रही है, आपको लगता है गर्मी की वजह से आपको फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कभी भी ऐसा फंगस या इचिंग वाला सिनेरियो होता है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने पाम पे लो, या फिर कोई भी आप वुड की कटोरी ले सकते हो, और उसमें एक या दो ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल दो। इससे ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज वो कंसेंट्रेटेड होता है, ज़्यादा डालना भी अच्छा नहीं होता। उसको एक पेस्ट बना लो, एक वाइट कलर का पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको अपने स्कैल्प पर लगाओ जहाँ जहाँ पर आपको इचिंग हो रही है, और रेगुलर एलोवेरा जेल आप अपने पूरे बालों पर लगा सकते हो। मैं भी ये करती हूँ, नॉर्मल एलोवेरा जेल को भी स्कैल्प पर लगा लेती हूँ, बालों पर लगा लेती हूँ, इचिंग होती है तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स कर लेती हूँ, और उसको टाई करके मैं सो जाती हूँ। ओवरनाइट एलोवेरा जेल बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है आपके बालों को, जब नेक्स्ट डे वॉश करोगे ना अपने बाल, आपको काफ़ी अच्छा एक स्मूदनिंग इफेक्ट फील होगा। अगर आप ऑयल वाला बेस मास्क भी बनाना चाहते हो, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, लाइक गर्मी में भी आपके बाल ड्राई रहते हैं, तो फिर आप एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके एक पेस्ट बना सकते हो, और फिर उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो ओवरनाइट मत करना, ओवरनाइट ऑयलिंग मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। सो ये काफ़ी अच्छा एक DIY स्टेप होता है अपने बालों को नरिशमेंट देने का, बिफोर अ प्रॉपर हेयर वॉश। कमिंग टू द मेन हेयर वॉश थिंग, मेरे पास बहुत सारे शैम्पूज हैं जिनके शॉर्ट रिव्यूज मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मैंने 2022 में अब तक ट्राई करे हैं, मिड ऑफ द ईयर ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, आधा साल खत्म हो गया यार, कितना दुख सा नहीं हो रहा सोच के, बट नेवर माइंड। सो सबसे पहला शैम्पू जो मैंने इस साल शुरू किया था और पूरा खत्म कर दिया, ये मेरे एमटीज के बॉक्स में ऑलरेडी जा चुका है, और शायद मैंने फीचर भी कर दिया अभी रिसेंट एमटीज वाली वीडियो में, वो है नायका नेचुरल्स का फर्मेंटेड राइस वाटर एंड बैम्बू शैम्पू। ये मेरा नायका का थर्ड वेरियंट है जो मैंने पूरा खत्म किया है, मुझे नायका के शैम्पूज बहुत पसंद है। अगर आप यहाँ पे नए आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद नायका शैम्पूज, और एक भी बार उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, मुझे जितनी बार आया ना मुझे PR में ही आया था, तो कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई एम नॉट पेड बाय नायका टू से दिस, बट आई जेन्युइनली लव देम। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अब इन्होंने अपने छोटे भी निकाल दिए हैं, मिनीज मत लेना, वो जो 99 के है ना वो तो बहुत ही छोटे हैं, तो वेस्ट है, उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सूट करा है नहीं करा। इससे अच्छा है कि इसका मिडिल वाला साइज आ गया जो इतना आता है, वो लेकर ट्राई कर सकते हो, बट दिस आर वेरी वेरी गुड। मतलब मैं इनके बाद ना कोई और शैम्पू ज्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज ही नहीं कर पा रही, बिकॉज ये फोम बहुत अच्छे से होते हैं, मेरे बालों को क्लेंस बहुत अच्छे से करते हैं, मेरे बालों को ड्राई नहीं करते, बहुत अच्छी नेचुरल स्मूदनिंग फील होती है मेरे बालों पे। और अब तक का जो बेस्ट नायका का वेरियंट है ना, मुझे ये राइस वाटर वाला ही लगा है। अगर आपको भी अपने बालों में एक अच्छी स्मूदनिंग चाहिए, लाइक ऐसे एकदम स्मूद ऐसे सॉफ्ट बाल होते हैं ना, तो ये
फर्मेंटेड राइस वाला ट्राई करना, ये आपको काफी अच्छा लगेगा। और अगर आप ग्रोथ पे या फिर हेयर फॉल पे वर्क करो तो आप बाकी दो वेरिएंट ले सकते हो। जो मैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे नहीं, मंथ में एक या दो बार यूज करती हूँ, वो है ये सनसिल्क का शैम्पू। सो बाकी जो मेरे पास जितने भी शैम्पूज है ना, वो सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। एंड सल्फेट फ्री शैम्पूज रेगुलर बेसिस पे यूज करना अच्छा, आपके बाल अच्छे रहते हैं। लेकिन वंस इन अ मंथ आई वुड से सल्फेट वाले शैम्पूज भी यूज किया करो, बिकॉज सल्फेट वाले शैम्पूज ना आपका जो स्कैल्प का बिल्डअप होता है ना, उसको रिमूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो वंस इन अ मंथ मैं इसको काफी बार यूज कर लेती हूँ एंड आई लव दिस वन। अगर आप एक इजिली अफोर्डेबल टाइप का ऑप्शन देख रहे हो जो सस्ता भी हो और जो आपको एकदम स्मूथनिंग इफेक्ट दे आपके बालों को, ये वाला शैम्पू ट्राई करके देखना। लिटरली ये सनसिल्क का अब तक का सबसे बेस्ट वेरियंट है जो आपके बालों को इतना स्मूथ बना देता है। यह सनसिल्क का नरिश सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू विद एग प्रोटीन, आलमंड ऑयल एंड वाइटामिन सी। तो ये ऐसे वाला आता है, इसमें एग है। अगर आप एग नहीं कंज्यूम करते, नहीं लगाते, तो आई एम सॉरी, आपको स्किप करना पड़ेगा। मैं खाती नहीं हूँ, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, लेकिन मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज मैं अपने हेयर मास्क में भी एग मिक्स करके लगाई लेती थी। एग जो होता है वो बहुत अच्छा प्रोटीन देता है आपके बालों को, जो बहुत हेल्पफुल होता है। ये शैम्पू भी एज ए सेड थोड़ा सा चाहिए होता है, फोम इतना अच्छा होता है आपके बालों को, स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, आपके बाल एकदम नरिश सॉफ्ट स्मूथ फील होते हैं। आप इसके सैशे ले सकते हो, इनके आपको लोकल स्टोर्स पे ना एक एक रुपए के सैशे मिल जाएंगे। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, पहले वो सैशे ले लो, उसके बाद ही ट्राई करना। मैंने अमेजोन से लिया था, ये 132 rupees का आता है, इट लास्ट रियली लॉन्ग। अनदर ऑप्शन फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने स्मूथनिंग रीबॉन्डिंग कराई हुई है, बिकॉज उस टाइप के बालों पे आप ऐसे रेगुलर शैम्पूज नहीं यूज कर सकते। सैलून वाले भी स्पेसिफिकली मना करते हैं कि रेगुलर शैम्पूज मत यूज करो, वो आपकी रीबॉन्डिंग और स्मूथनिंग जो होती है ना, वो इतने अच्छे स्टे नहीं करती। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल रेंज ही यूज करनी पड़ेगी एंड आई रियली लाइक दिस। ये मैट्रिक्स की ऑप्टी लॉन्ग नरिश प्रोटेक्ट रेंज विद सेरामाइड्स। आई रिमेंबर जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में स्मूथनिंग कराई थी ना, मैंने अब तक लाइफ में सिर्फ एक ही बार ट्रीटमेंट कराई है स्मूथनिंग की, बिकॉज मुझे एकदम क्रेज चढ़ गया था स्मूथनिंग कराने का। कॉलेज टाइम का फीवर होता ना, वो मेरा जा चुका, बिकॉज उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ था और मैं डर गई थी कि अगर ऐसी ट्रीटमेंट मैंने दोबारा ले लिया तो मैं गंजी हो जाऊंगी। तो मैंने अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई एंड आई एम एंजॉइंग माई नाइस बेबी वॉल्यूमनेस हेयर। जब स्ट्रेट करने होते हैं हल्के फुल्के कर लेती हूँ, अदरवाइज आई लाइक सच हेयर। तो उस टाइम पे ना जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी, मेरी जिसने स्मूथनिंग करी थी सैलून पे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर जो ऑरेंज कलर का आता है भाई, ये वाला है रेड कलर का जो ऑप्टी लॉन्ग आता है, लेकिन मैं आपको ये वाला ज्यादा रिकमेंड करूंगी बिकॉज ये मुझे बेटर लगा। ये विद सेरामाइड्स है तो आपके बालों को एक अच्छी नरिशमेंट देता है, जो ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल एकदम डल ऐसे झाड़ू से नहीं हो जाते। काफी बार आप देखते हो, आप हेयर कलर कराते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, आपके बाल एकदम अजीब से झाड़ू जैसे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये सेरामाइड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मुझे इसका कंडीशनर भी बहुत पसंद आया था। आई थिंक लास्ट ईयर के हेयर केयर रूटीन में मैंने इसका कंडीशनर फीचर किया था, बहुत अच्छा वो कंडीशनर है। खाली इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो अजीब सी, वो देसी दवाई वाली फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन वो आपके बालों में से नहीं आएगी, खाली प्रोडक्ट में से आती है। बट अदरवाइज दीज आर वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ये आपको छोटे साइज में मिलता है, ये बड़े वाला है, इसका आपको छोटा ही मिलता है, आप छोटा लेके देख सकते हो। सो अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराई है, आई वुड से गो फॉर दिस वन, यू विल लव। कमिंग टू अ न्यू शैम्पू जो मैंने रिसेंटली ट्राई करना शुरू किया, और मैं फीचर भी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे डिसेंटली अच्छा भी लग रहा है, ये गार्नियर फ्रुक्टस का रिपेयरिंग पपाया हेयर फूड शैम्पू। मेरे पास इनका बनाना हेयर फूड वाला मास्क है, ओ माई गॉड आई लव इट, वो मैं आगे फीचर करने वाली हूँ। बट फिलहाल इसकी बात करते हैं, एकदम क्लियर शैम्पू है, जो ट्रांसपेरेंट क्लियर जेल शैम्पूज होते हैं ये वैसा है। अभी तक मैंने आपको जितने भी शैम्पूज दिखाए, ये सब क्रीमी फॉर्मुला शैम्पू है, स्पेसिफिकली फॉर डैमेज्ड हेयर। ये वीगन फॉर्मुला है, रिसाइकलिंग की पैकेजिंग है, नो सिलिकॉन फॉर नेचुरल हेयर टच, इसके अंदर सिलिकॉन भी नहीं है, तो ये आपको स्मूथनिंग वाला इफेक्ट नहीं देगा, ये खाली आपके बालों को जेंटली क्लेंस कर देगा। सो व्हाट आई डू डबल क्लेंजिंग, मैं अपने सारे हेयर के रूटीन में मेंशन करती हूँ, मैं हमेशा डबल क्लेंजिंग करती हूँ, स्पेसिफिकली ऑन द डेज जब मेरे बाल बहुत ज्यादा ग्रीसी होते हैं, या मैंने कोई वो आंवला रीठा शिकाकाय का जो डीआईवाई हेयर मास्क होता है ना, वो लगाया होता है, बिकॉज वो एक क्लेंजिंग में नहीं जाता। सो मैं पहले ऐसे जेल बेस्ड क्लेंजर यूज कर लेती हूँ, जैसे एक गार्नियर वाला यूज कर लिया, उसके बाद मैं ऐसे वाले शैम्पू यूज कर लेती हूँ अपने बालों के ऊपर। काफी सेफ स्ट्रैटेजी रहती है, आप ऐसे जनरल शैम्पूज को अपने स्कैल्प पर फोकस कर सकते हो और फिर सेकंड वॉश में आप इनको अपने बालों पर फोकस कर लेते हो, तो एक बैलेंस बना रहता है। सो शैम्पूज की तो हमने बात कर ली, शैम्पू अच्छे से करने के बाद मैं जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट कर देती हूँ, जितना निकल सकता है मैं उसको निकाल देती हूँ, बिकॉज अगर आप बिल्कुल गीले बालों में हेयर मास्क या फिर कंडीशनर लगाओगे ना, वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। सो अच्छे से सारे पानी को स्क्वीज आउट करने के बाद आई यूज हेयर मास्क और कंडीशनर। तो जिस दिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, आई एम लाइक कि फटाफट कहीं ना कहीं जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं है मास्क लगाने का, तो मैं कंडीशनर यूज करती हूँ, बिकॉज कंडीशनर को आपको अपने बालों पे इतना देर रखने की जरूरत नहीं होती। सो कंडीशनर मेरे रिकमेंडेशन है, सबसे पहले नायका के कंडीशनर, मैंने आपको बताया था ना जो इन्हीं शैम्पूज के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशनर आते हैं, लाइक राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर का कंडीशनर भी आता है, वो ले सकते हो, वो काफी अच्छे हैं। सेकंड रिकमेंडेशन है ये ऑप्टी लॉन्ग की जो रेड कलर का कंडीशनर आता है, वो भी काफी अच्छा है। तो ये दो मेरे फेवरेट्स हैं, ये दोनों मेरे पास नहीं है बिकॉज एक खत्म हो गए थे, मैंने आपको एमटीज की वीडियो में ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी और नीचे आपको ऑब्वियसली सबके लिंक्स मिल जाएंगे। दीज टू कंडीशनर्स आर अमेजिंग, बट आजकल मैं थोड़ा सा हेयर मास्क की साइड ज्यादा हूँ, बिकॉज मैं जिस दिन भी हेयर वॉश करती हूँ ना, मैं उसे अपने शेविंग को अलाइन करती हूँ, मैंने अपना पूरा शेड्यूल ऐसे अलाइन कर रखा है,
जैसे मुझे बाल धोने हैं उस दिन मैं शेविंग भी करती हूँ, ताकि मैं मास्क लगा के अच्छे से क्लच व्लच करके उसको बैठ जाती हूँ, फिर मैं अपनी बॉडी पे स्क्रबिंग कर लेती हूँ, शेविंग कर लेती हूँ, तब तक वो मास्क इन्फ्यूज़ हो जाता है मेरे बालों में, वर्क भी करता है और मेरी शेविंग एंड ऑल भी हो जाती है। सो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या यूज़ करती हूँ, आई यूज़ दीज टू मास्क एक साथ में यूज़ करती हूँ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, सबसे पहले है ये बायोलाज का स्मूथ प्रूफ पैक, और ये आप देख सकते हो पूरा खत्म हो चुका है। आज मैंने इसको ऐसे कर करके निकाला है कि मैं इसको एम्प्टी कर दूँ और मैं अपनी एम्प्टीज के बास्केट में डाल दूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मैंने बायोलाज की स्मूथ प्रूफ रेंज पे पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी स्पॉन्सर्ड विद अ ब्रांड, आई लव्ड इट। मुझे इनका सीरम बहुत पसंद है, मुझे इनका शैम्पू भी बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो था ना, ये ऑप्टिलॉन विद सेरामाइड्स है, तो अगर आप मेट्रिक्स नहीं लेना चाहते, आप बायोलाज ट्राई करना चाहते हो, तो बायोलाज का स्मूथ प्रूफ ट्राई करना। ये थोड़ा सा ना ऑयल इन्फ्यूज सॉर्ट ऑफ हेयर केयर है, तो अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, अजीब से सूखे सूखे लगते हैं, तो आप ये वाली रेंज यूज कर सकते हो। इसका शैम्पू कंडीशनर भी काफी अच्छा है, बट मुझे मास्क स्पेसिफिकली अच्छा लगता है। ऑल्सो इफ यू आर लो ऑन बजट, अगर आप कॉलेज स्कूल गोइंग हो, आपके पास मास्क लेने का इतना कोई बड़ा बजट नहीं है, तो ये काफी सही है, बिकॉज ये 350 का आता है, आपको डिस्काउंट पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और इसकी क्वांटिटी भी डिसेंट है, आप अपने स्पेशल ओकेजन पे इसको यूज कर सकते हो जब जब आपको लगता है। सो दिस इज रिकमेंडेशन नंबर वन। इनके बाय द वे और भी वेरियंट आते हैं, एक एलोवेरा आता है, एक कलर लास्ट वेरियंट भी आता है, इसी में एक कलर प्रोटेक्शन वाला वेरियंट भी आता है, तो अगर हमने बालों में कोई हेयर कलर कराया हुआ है, तो आप वो अलग हेयर मास्क यूज कर सकते हो, वो आपके बालों के कलर को मेंटेन करके चलेगा। ऐसे वाले आप प्लीज मत यूज करना। एंड नाउ कमिंग टू माय करंट फेवरेट हेयर मास्क, मैंने जिस जिसको हेयर मास्क रिकमेंड किया ना, उन सब ने मुझे थैंक किया, बिकॉज ये इतना अच्छा हेयर मास्क है, एंड आई एम यूजिंग दिस कंटिन्यूअसली नाउडेज। वो ये गार्नियर फ्रुक्टिस का नरिशिंग बनाना हेयर फूड, ये ड्राई हेयर के लिए, जो पपाया रेंज है वो डैमेज हेयर के लिए, और जो ये बनाना है ये ड्राई हेयर के लिए। मेरे इतने ज्यादा ड्राई नहीं है, बट ये मुझे बहुत ब्यूटीफुली सूट कर रहा है, मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, स्पॉन्सर्ड थी वो, बट आई लव्ड इट। इनको बेसिकली यूज करने के तीन तरीके होते हैं, ये हेयर मास्क नहीं है, ये हेयर फूड है, तो आप इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हो। वो तीनों स्टेप्स मैंने उस वीडियो में समझाया है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। दिस इज सो गुड, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना, मतलब इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक फूड, और इसमें क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। इसकी बिल्कुल भी वो गिमिकी वैसी वाली पैकेजिंग नहीं है मामा अर्थ वाली, इसमें एक्चुअल में आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिलती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और आप देख सकते हो मैं लिटरली यहाँ तक आ गई हूँ, और अब मैं इसको बच बच के यूज़ कर रही हूँ, कि जिस दिन स्पेशल ओकेजन होगा मैं खाली उस दिन यही लगाऊंगी। ये बालों को इतना स्मूथ बना देता है ना, आई कांट इवन टेल यू, आपको मतलब छूते अपने बाल इतने अच्छे लगेंगे ना। जब अभी नायका की सेल आई थी ना, ये मैंने देखा था 40% समथिंग ऑफ पे, तो मैंने इंस्टेंटली उस टाइम अपनी स्टोरीज में शेयर किया था। अगर आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बिकॉज मैं स्टोरीज पे इतनी डील शेयर करती हूँ ना, जो आपके बहुत काम आने वाली है, बिकॉज ऐसी जो डील्स होती है ना, ये आती हैं और चली जाती हैं, तो इंस्टाग्राम स्टोरी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सो गो देयर एंड फॉलो मी। तब भी मैंने रिकमेंड किया था, इसका MRP है समथिंग 725 एंड 40-50% ऑफ पे, तो वर्थ एवरी पेनी था, बिकॉज आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी मिल रही है। दीज आर फॉर ड्राई हेयर, दीज आर वीगन, दीज आर कोई आर्टिफिशियल इसमें कलर नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है, दीज आर 98% नेचुरल ओरिजिन से इन्होंने डिराइव किया है, मतलब गार्नियर चेंज द गेम विद दिस वन। ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक कोई भी हेयर मास्क यूज नहीं किया ना, मेरी रिकमेंडेशन पे ये यूज करके देखो, यू विल लव। सो शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क सब कुछ हो चुका है। मैं थोड़ा सा कष्ट का ज्ञान देना चाहती हूँ, जब भी ऐसे हेयर मास्क लगाओ ना, इनको लगाते ही हटाया मत करो, बिकॉज इनको टाइम देना जरूरी होता है ताकि इन्फ्यूज हो आपके बालों में। तभी मैंने आपको बोला कि मैं शेविंग एंड ऑल कर लेती हूँ, ताकि 15-20 मिनट से मेरे बालों पे अच्छे से लगा रहे। मैं क्लच लगा के बैठ जाती हूँ, आप कोई शार्क कैप भी पहन सकते हो, ताकि वो और अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, और फिर इसको रिंस ऑफ किया करो। एंड ऑलवेज रिंस ऑफ योर मास्क स्लैश कंडीशनर विद कोल्ड वाटर, ज्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के से ठंडे पानी से अगर अपने कंडीशनर हेयर मास्क को निकालोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपके बालों को। कभी भी जब आप गर्म पानी से इनको वॉश ऑफ करते हो ना, ये अपनी नरिशमेंट को भी उस पानी में ही ले जाते हैं, और वो आपके बालों में नहीं टिकती। सो इसलिए थोड़े से कोल्ड वाटर से लास्ट स्टेप में अगर ठंडा पानी डालोगे ना, तो आपके बालों को एक अच्छी नरिशमेंट मिलेगी और आपके बाल शाइनी बनेंगे। सो यहाँ हो चुकी है हमारे हेयर वॉश एंड ऑल कंप्लीट, अब आ जाते हैं वॉशरूम से बाहर। सो बालों को मैं टाई करती हूँ माइक्रोफाइबर हेयर टॉल से, मैंने हमेशा बोला है मैं रेगुलर टाल इतना नहीं यूज करती, बिकॉज वो बालों को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। या तो नेचुरली सूखने दो अपने बाल, खुले छोड़ दो, या फिर अगर टाइम कम है ना, तो फटाफट माइक्रो फाइबर हेयर टाल रैप कर लो। उसका फाइबर पतला होता है, वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता, फ्रिजीनेस नहीं देता, प्लस वो बहुत ज्यादा आपके बालों को सोक, मतलब जो भी पानी होता है ना, उसको बहुत अच्छे सोकअप कर लेता है। तो आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स आपके मेजर जो बाल होते हैं ना, वो ड्राई हो जाते हैं, तो ईजी रहता है आपके बालों को सुखाना। नायका का टाल आता है, अमेजोन पे बहुत सारे हेयर टाल आते हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप कोई परचेज कर सकते हो। सो
उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब हल्के से डैम्प हेयर होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सूख जाते हैं, सेमी डैम्प मैं बोलूँगी, मैं लगाती हूँ हेयर सीरम। और आजकल मैं लगा रही हूँ लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर सीरम, आप देख सकते हो हाफ तक ये पहुँच गया है। मैं आजकल ये क्यों लगा रही हूँ, मैं पहले बायोलार्ज लगाती थी, वो ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया। प्लस मैं आजकल एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश यूज़ करती हूँ, थोड़ा से अच्छे से टेम डाउन, ताकि मेरे बाल लगे। तो इसमें क्या है, हल्का सा हीट प्रोटेक्शन भी उन्होंने डाला हुआ है, इसमें लिखा भी हुआ है यू कैन यूज़ इट बिफोर ब्लो ड्राइंग। ये थोड़ा सा हीट प्रोटेक्टेंट का भी काम करता है, नॉट अ प्रॉपर हीट प्रोटेक्टेंट, लेकिन अगर आप हल्की फुल्की ब्लो ड्राइंग कर रहे हो तो ये आपको हेल्प करता है। तो मैं इसलिए इसको लगाती हूँ अपने बालों पे, एंड देन आई यूज़ माय एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश। जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है, आई फील लाइक मुझे शाम को कहीं जाना है, मुझे थोड़े से बाल अपने अच्छे टेम डाउन चाहिए, इतना कोई फ्रिजी नहीं चाहिए, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और आजकल मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही हूँ, मैंने जस्ट अभी वीडियो भी बनाई है, मेरे बाल धोए थे तो मैंने वीडियो बना दी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बाल जल्दी ड्राई हो जाते हैं इस टेक्निक से बेसिकली, और एक अच्छी वॉल्यूम आती है। सो व्हाट आई डू, सबसे पहले सीरम लगा लिया अपने बालों पे जैसे लगाते हैं, उसके बाद आगे मैं बेंड होती हूँ और इसको मैं यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट लो मोड पे। मैं इसको हाई मोड पे यूज़ नहीं करती, बिकॉज हाई मोड पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा आती है। अपने बालों को अगर अच्छा रखना है ना, कोशिश किया करो हीट से कम मतलब दूर रहो, ज़्यादा अननेसेसरी प्रेसिंग मत करो, स्ट्रेटनिंग मत करो। तो मैं इसको भी जब यूज़ करती हूँ ना, सबसे पहले मैं इसको गीले बालों पे नहीं यूज़ करती। आप इसको जितने ज़्यादा गीले बालों पे यूज़ करोगे, आप उतने ज़्यादा अपने बाल ख़राब करोगे। एकदम गीले बाल, एकदम उसके ऊपर गर्म हवा लगाओगे तो आपके बाल ख़राब होने के चांसेस हैं। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट मतलब मेरे बाल ऑलमोस्ट जब सूख जाते ना, हल्के हल्के डैम्प होते हैं, तब मैं सीरम लगा के आगे बेंड होती हूँ और फिर इसको यूज़ करती हूँ अंदर की तरफ से। बिकॉज जब आप आगे फ्रंट में बेंड होते हो तो जो अंदर की तरफ लेयर आती है वो ये बाहर की लेयर होती है, राइट। तो अंदर की तरफ से जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, ये जल्दी ड्राई होता है, मुझे पार्टिशनिंग नहीं करनी पड़ती। बिकॉज जब मैं ऐसे इसको यूज़ करती हूँ, बड़ा मुश्किल होता था, यहाँ से पार्टिशनिंग करो, फिर पीछे से बाल निकालो, मैं आगे बेंड होकर फटाफट लगा लेती हूँ, एंड दैट्स इट, एंड दिस आर द फाइनल रिजल्ट लुक्स लाइक। मैंने इसको हाई मोड पे सबसे पहले नहीं यूज़ किया, और मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए भी यूज़ नहीं किया, मैंने खाली उतना ही यूज़ किया कि मेरे बाल ड्राई हो जाएं, दैट्स इट। अगर मैं इसको हाई मोड पे थोड़ा सा और यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे बाल और अच्छे से एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, पिन स्ट्रेट अच्छे भी लगते हैं। वो मैं इतना नहीं करती, बिकॉज अगेन मैं इतनी हीट अपने बालों को नहीं देना चाहती अननेसेसरी। अब मानसून आने वाले हैं, बालों में ह्यूमिडिटी अजीब सी हो जाती है, उसकी वजह से बाल भी जल्दी टूटना शुरू होते हैं। तो कोशिश किया करो इतनी हीट अपने बालों को नहीं दो, लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन है देन ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज डेफिनेटली रिकमेंडेड बाय मी, आई लव दिस वन। अगेन ये नायका की सेल पे आपको 40-50% ऑफ में मिल जाता है, तो आप ये ग्रैब कर सकते हो। सो ये था मेरा पूरा हेयर केयर रूटीन विद लोट्स ऑफ कशिका ज्ञान एंड रिव्यूज। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक ज्ञान एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ, प्लीज खाली आउटर हेयर केयर पे मत डिपेंड हो। ये मत सोचो कि खाली ये वाले प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो आपके बाल एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। काफी बार रीजन जो होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनली आपकी बॉडी में वीकनेस होती है, कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है तो बाल झड़ते हैं। तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, आप बायोटिन की गमीज या फिर टैबलेट्स ले सकते हो, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज बायोटिन सबको सूट नहीं करता। मुझे पर्सनली हार्मोनल एक्ने होते हैं, हार्मोनल ब्रेकआउट्स होते हैं, और बायोटिन इस केस में ना और ट्रिगर कर देता है, तो इसलिए मैं डर के मारे नहीं लेती। बट अगर आपको बायोटिन सूट करता है तो बहुत सारी आपको मार्केट में गमीज मिल जाएंगी, आप वो ले सकते हो। सेकेंड सबसे बेस्ट जो एकदम देसी उपाय है वो है नट्स एंड सीड्स। अगर आप बायोटिन नहीं लेना चाहते, आप घर में नट्स खाओ, बहुत सारे नट्स आपको मिल जाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खजूर खाया करो, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं थोड़े बहुत खाया करो। एंड सीड्स तो सबको खाने चाहिए, दिन में एक बार अच्छा खासा हाथ भर के मैं सीड्स खाती हूँ। मैंने मल्टी जो सीड्स होते हैं, जो मिक्स सीड्स होते हैं, जिसके अंदर पम्पकिन और जो भी सीड्स होते हैं उनका एक मिक्सचर होता है, जो सॉल्टेड और रोस्टेड होते हैं, उसका मैंने पैक लिया हुआ है अमेजोन से, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। मैं उसको अच्छे से खाती हूँ, च्यू करती हूँ, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, खाली बालों के लिए नहीं, आपके नेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस करो, अपनी डाइट इंप्रूव करो, गला खाना खाओ, इससे भी आपके बालों पर काफ़ी असर पड़ता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज काफ़ी लोग खाली हेयर केयर लेके सोचते हैं कि हमारे बाल एकदम चेंज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, इंटरनली भी चीज़ें होती हैं, तो उस पर भी फोकस किया करो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, नाउ कमिंग टू कशिका गिव अवे नंबर 3। इसमें मिलने वाला है एक विनर को ये वाला गुडी बॉक्स, आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आप ये जीत सकते हो। रूल्स आर अगेन द सेम, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे टिक करना है। सेकंड आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है kashika.chauhan, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड थर्ड, इस वीडियो के नीचे आपको कॉमेंट करना है एक ऐसा हेयर केयर प्रोडक्ट जो गेम चेंजर है आपके लिए, जिसने बिल्कुल आपके बालों को चेंज कर दिया, आपके बालों को एकदम हेल्दी वॉल्यूमिनस बना दिया, कोई ऐसा स्टेप है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसने बहुत अच्छा कर दिया बेसिकली आपके बालों को, आपको वो शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। मैं गिवअवे के थ्रू भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा ज्ञान वाली चीज़ें कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर पाऊँ, ताकि कोई पढ़े ना तो उसको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। क्या पता आपके थ्रू किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिल जाए, उनके कहीं ना कहीं
हेल्प हो जाए. सो प्लीज़ शेयर करना. एंड दैट इज इट. आप सारे गिवेज में 30th मई तक पार्टिसिपेट कर सकते हो. उसके बाद वो ये सारे गिवेज बंद हो जाएंगे. देन आई विल फाइंड द विनर और मैं आपको यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर इंस्टा स्टोरीज पे अपडेट कर दूंगी. तो ये दोनों जगह थोड़ा सा हुक्ड रहना, देखते रहा करो. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. बाकी सारी डिटेल्स और जो भी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लीज़ चेक कर लेना. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.